हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ और खूब सारा खाना खाना, लेकिन व्रत तोड़ने के बाद। अरे व्रत तोड़ने के हम ना कोक पी के व्रत तोड़ते हैं, ये मेरे को बताना है ना। कोक नहीं पीता मैं, आपको याद भी नहीं है मैं क्या पीता। थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप याद आ गया मुझे। तो उन्होंने बोला करवा चौथ के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा यही बता देती हूँ कि हम एक यू नो डिफरेंट चीज़ करते हैं जो हर कोई नहीं करता, वो भी शादी के बाद जो पहला साल था उसमें से ये शुरू हुआ। अब नारियल पानी पीऊंगा ना, छोड़ क्यों नारियल पानी पियोगे? वेट लूज कर रहा है। The good thing is that I, what makes it all the more special, the Karva Chauth, is that you observe it with me. So that's a great thing. Generally, people don't do that. So I think as a hubby, that's really nice that he supports me as a wife by keeping it with me. And I think that's really sweet. Thank you. पहले भी किया है और आई मीन हम बॉडी बनाने के लिए भूखे रह सकते हैं, तो बीवी की लंबी उम्र के लिए तो एक दिन रह ही सकते हैं भूखे, है ना। और बाद में साथ में तोड़ो तो वो फिर पता लगेगा कि क्या है। ऑब्वियसली लाल रंग तो एकदम ट्रेडिशनल होता है, मुझे बहुत पसंद है लाल रंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिविटी में जब लाल रंग आ जाता है तो अपने आप ही खूबसूरती किसी भी आउटफिट की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड और तो बस आई थिंक छन्नी इज़ समथिंग दैट मैं हमेशा ये तो होती है, परात होती है, दिया होता है, एंड जिसके अंदर हम जल रख के पीते हैं वो सब करते हैं, पूजन होता है जो हम करते हैं शाम को जब हम व्रत रखते हैं तो। एंड हाँ, एक और एक छोटी सी चीज़, काला टीका ज़रूर लगा लेना ताकि किसी की नज़र ना लगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान, हर एक लड़की और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब करवा चौथ होता है। तो जस्ट वन स्मॉल काला टीका पीछे, that's it. मैं सबको सारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।